कन्नौज कृषि उपज मंडी प्रांगण में भारतीय किसान संघ ने भगवान बलराम जयंती के उपलक्ष्य में तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश सांडी के नेतृत्व में ज्ञापन दिवस मनाया, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय किसान संघ के सभी किसान उपस्थित हुए। कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री नारायण यादव का पदाधिकारियों द्वारा साफा बांधकर स्वागत किया गया, जिसके बाद प्रदेश मंत्री यादव ने कहा कि किसानों में जागरूकता की कमी के कारण किसान परेशान है, संगठन को मजबूत करना चाहिए। किसान किसी भी योजना को लाना है तो हमें एकमत होकर किसानों के हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसके बाद हमारा संगठन मजबूत और जागरूक होगा। किसानों के लिए भी कानून है, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के कारण हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। द्वारा किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रमुख है लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलेगा। 2020 का जो सोयाबीन का बीमा है, उसमें भी देवास जिले में भारी अनियमितता पाई गई है, उसकी जांच कराकर किसानों को दिया जाए। 500 रुपये भावांतर राशि एवं 160 रुपये गेहूँ का बोनस दिया जाए और कन्नौज तहसील को संपूर्ण तहसील में पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए लिफ्ट इरीगेशन या अन्य योजनाओं के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जाए। जिला सहकारी बैंक में किसानों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, दिन दिन भर लाइन में खड़े रहते हैं, उसके लिए श्रीमान से निवेदन करा है ज्ञापन के माध्यम से कि उसमें काउंटर बढ़ाया जाए और किसानों को समय पर पेमेंट दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।